मध्य प्रदेश में शिक्षा माफिया लगातार सक्रिय है और अभिभावक इस बात से परेशान है कि उनके बच्चों को एक ही सेंटर से किताब और ड्रेस खरीदने के लिए स्कूल द्वारा दबाव दिया जा रहा है। यही कारण है कि यूथ कांग्रेस के ग्रामीण भोपाल अध्यक्ष गोपिल कोतवाल ने जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन देकर शिक्षा माफिया और इस तरह के स्कूलों पर कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन दिया है। देखिए खास रिपोर्ट। मैं गोपिल कोटवाल, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष भोपाल ग्रामीण। आज हमने जिला शिक्षा अधिकारी जी को यह ज्ञापन दिला के याद दिलाया है कि आप अभी सिर्फ हवा में ही आपकी समिति बनी है, हवा में ही कार्रवाई हो रही है। जबलपुर में FIR हो गई, बहुत से लोग जेल चले गए, 200-250 करोड़ का घोटाला सामने आ गया। भोपाल में ही मीडिया द्वारा हमें पता चला था कि बुक्स और सेंटर बुक्स स्टोर पर छापा पड़ा, कोई फाइन नहीं हुआ। फिर इस हर्बल की दुकान पर निजी किताबें मिल रही हैं, स्कूल की ड्रेस मिल रही है। कलेक्टर ने 2-2 लाख रुपए का जुर्माना करने का बोला, मगर अभी तक किसी भी स्कूल में, भोपाल के प्राइवेट स्कूलों में कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। DO साहब से हमारी बात हुई है, उन्होंने हमसे 24 जून तक का समय मांगा है। 24 जून तक अगर वह कार्यवाही नहीं करते हैं तो भोपाल यूथ कांग्रेस DO शिक्षा अधिकारी कलेक्टर महोदय और शिक्षा मंत्री का बंगले घेराव करेगी। 2017 के अनुसार हर प्राइवेट विद्यालय को MP एजुकेशन पोर्टल पर फीस और किताबों की जानकारी अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा निर्देशित पहले समय सीमा 8 जून थी, बाद में ये समय सीमा 24 जून कर दी गई है। पोर्टल पर बराबर एंट्री हो रही है। अभी जो एंट्री जिन विद्यालयों ने की उनकी संख्या मैंने आपको बताई है। 24 जून के बाद पोर्टल को ओपन करके जिला शुल्क समिति, जिसके अध्यक्ष माननीय कलेक्टर महोदय हैं, उनके समक्ष सारी स्थिति प्रस्तुत की जाएगी और जो भी मान्यता अधिनियम 2017 का उल्लंघन जिनका पाया जाएगा एक्ट के तहत उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। देखो, हम किसी व्यक्तिगत स्कूल को नहीं जानते हैं, हम ये जानते हैं कि हमारे पास जितने भी अशासकीय संस्थाओं के निरीक्षण के लिए जो समितियां बनी हैं, समिति में राजस्व SDO अध्यक्ष हैं, तहसीलदार उसका सदस्य है, 3 प्राचार्य उसके मेंबर हैं। उस प्रतिवेदन के आधार पर जो भी उसमें दोषी पाया जाएगा मान्यता अधिनियम 2017 के तहत उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी।